नमस्कार दोस्तों, इसरो के एक्स चीफ के सिवन ने बताया था कि चंद्रयान 2 के लैंडिंग के समय आखिरी 15 मिनट होने वाले हैं घातक। अगर हुई कोई गड़बड़ या भूल तो सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। और दोस्तों, हुआ भी वही जिसका के सिवन को डर था। इसके साथ ही वो सपना टूट गया जो इसरो ने करोड़ों भारतीयों को दिखाया था, भारत का परचम चांद पर लहराने का। दोस्तों, ऐसी क्या बात है और क्या ऐसी चीज है जो आखिरी के 15 मिनट्स में चंद्रयान के सामने आने वाली है? कौन सा वो डर था जो सच साबित होकर चंद्रयान 2 को ले डूबा? उस चीज का सामना तो चंद्रयान 3 को भी करना पड़ेगा। के सिवन की उस 15 मिनट्स की भविष्यवाणी को 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। जैसे कि आप जानते ही हैं, चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तेजी से चांद की ओर बढ़ रहा है। अभी ये धरती के ऑर्बिट में अपने 5वें चक्कर में है। ये धरती का आखिरी ऑर्बिट है चंद्रयान 3 के लिए। इसके बाद इसे छोड़ा जाएगा और ये निकल पड़ेगा चांद के ऑर्बिट के लिए। चांद के ऑर्बिट में भी 5 चक्करों को पूरा करके चंद्रयान 3 चांद पर उतरने की कोशिश करेगा। बेंगलुरु में इसरो का IS ट्रैक ट्रैकिंग नेटवर्क इसे कंट्रोल कर रहा है और जब चंद्रयान चांद की सतह से सिर्फ 100x100 किलोमीटर के ऑर्बिट में घूम रहा होगा, वहां से इसे 100x30 के ऑर्बिट में शिफ्ट किया जाएगा। अब यहां से आगे का जो चंद्रयान 3 का सफर होने वाला है उसे ही कहेंगे 15 मिनट्स ऑफ टेरर, क्योंकि यहां से ही वो डरावना सिलसिला शुरू होगा जो सॉफ्ट लैंडिंग करने के रास्ते में आड़े आएगा। ये आखिरी के 15 मिनट्स ही डिसाइड करेंगे कि भारत और इसरो इस बार फाइनली सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे या चंद्रयान 3 भी क्रैश लैंड हो जाएगा। वो समय इसरो के लिए काफी गंभीरता से भरा होगा और इसरो के साइंटिस्ट की धड़कनें तेज हो चुकी होंगी। अब इस 15 मिनट्स ऑफ टेरर को ठीक से समझें तो दोस्तों, जब चंद्रयान 3 सिर्फ 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेगा तब इसरो के साइंटिस्ट इसे नीचे उतारना शुरू करेंगे और उसे कॉन्टिन्यूसली गिराया जाएगा जब तक वो 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक नहीं पहुंच जाता। ये वो खतरनाक समय होगा जब चंद्रयान 3 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा होगा। इस प्रोसेस को आगे समझने से पहले आपको एक बात बता देते हैं, किसी भी ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए अगर वहां पर अच्छा वायुमंडल है तो पैराशूट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जब धरती पर स्पेस से कुछ उतारना हो तो पैराशूट से काम हो जाएगा। मार्स पर लैंडिंग के लिए भी ऐसा कई बार किया गया है, डायरेक्ट लैंडर और पैराशूट दोनों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जब बात आती है चांद जैसे उपग्रहों की तो ये चीज मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहां पर ना के बराबर वायुमंडल है। वहां पर हवा, गैस या किसी भी किस्म का एटमॉस्फेयर नहीं है। इसका मतलब जब चांद की ग्रेविटी किसी चीज को खींचती है तो उसे रोकने के लिए और फ्रिक्शन के लिए वायुमंडल तो है ही नहीं, इसलिए क्रैश लैंडिंग होना आम बात है। इसीलिए इसरो ने चंद्रयान 3 में रेट्रो रॉकेट्स का इस्तेमाल किया है। इन रॉकेट्स को आसान भाषा में समझें तो आपने वो दिवाली का रॉकेट देखा होगा जिसे जब हम आग लगाते हैं तो उसकी गैसेस नीचे की ओर निकलती हैं और थ्रस्ट ऊपर की ओर लगता है, जिसकी वजह से ये धरती के वायुमंडल में ऊपर की ओर जाता है ग्रेविटी से उल्टी दिशा में। लेकिन यहाँ चंद्रयान 3 में केस उल्टा होगा। जो चीज तेजी से नीचे की ओर गिरती है उसे बस रोकना है, धीमा करना है और उसे सॉफ्ट लैंड करवाना है। इसके लिए इसरो नीचे गिर रहे चंद्रयान के रॉकेट्स को फायर करेगा और उसकी नीचे की ओर आने वाली गति को धीमा करने के लिए नीचे से ही उस दिवाली वाले रॉकेट की तरह थ्रस्ट देगा, जिस तरह से इसे लॉन्च के समय भी दिया गया था। ऐसा करने से चंद्रयान की नीचे की ओर आने वाली स्पीड कम हो जाएगी। जब इसकी हाइट सिर्फ 7.4 किलोमीटर होगी तब इन रॉकेट्स को शुरू किया जाएगा और फिर ये उसे धीमा करते रहेंगे। जब ऊंचाई सिर्फ 5 किलोमीटर रह जाएगी तब टेरन रिलेटिव नेविगेशन सिस्टम यानी TRNS को स्टार्ट किया जाएगा। ये सिस्टम काम करेगा उस सही जगह को ढूंढने के लिए जहां पर लैंड कराना आसान हो। दोस्तों, साइड बाय साइड रॉकेट से फायरिंग हो चुकी होगी और इसकी स्पीड को 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम किया जाएगा। इस प्रोसेस को पूरा करने में इसरो के 10 मिनट जा चुके होंगे। अब बात आती है उन सबसे महत्वपूर्ण और नाजुक 5 मिनट की, जब इसरो को बहुत ही सावधानी और परफेक्शन से काम लेना होगा। इस पड़ाव में इसरो चंद्रयान 3 को 5 किलोमीटर की ऊंचाई से सीधा ही 400 मीटर तक लेकर आएगा।
दोस्तों इसी फेस में भारत ने अपना चंद्रयान 2 खो दिया था, क्योंकि 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और क्रैश कर गया। जब इसरो चंद्रयान 3 को 400 मीटर की ऊंचाई तक ले आएगा, तब सिर्फ 5 मिनट बाकी होंगे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। ये काफी नाजुक पड़ाव है और इसरो के साइंटिस्ट की सांसें रुका देने वाला पल होगा। सब इसके सही से लैंड करने की प्रार्थनाओं में जुटे होंगे। दोस्तों इस समय तक चंद्रयान 3 तिरछी दिशा से ट्रेवल कर रहा होगा और उसे वर्टिकल सीधी दिशा में नीचे उतरना है, इसलिए पहले ये सीधा होगा। इसके रॉकेट्स 90 डिग्री पर ऑपरेट करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि चंद्रयान 3 अपने चार पैरों पर उतरे। ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स होने वाला है, क्योंकि चंद्रयान 3 को इस पड़ाव में 400 मीटर की ऊंचाई से 100 मीटर की ऊंचाई तक लाया जाएगा और उसी समय ये हवा से तिरछे से सीधा होने के लिए आसमान में तैरते ड्रोन की तरह होवर भी करेगा और साथ साथ अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढेगा नेविगेशन सिस्टम की मदद से। काफी सारे काम तेजी से एक साथ हो रहे होंगे। ये वो समय है दोस्तों, ये वो पड़ाव है जब इसरो अपने कमांड सेंटर से इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सब होना है ऑटोमेटेड सिस्टम की मदद से। जी हाँ, पिछली बार सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से ही चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था, क्योंकि सॉफ्टवेयर इतने सारे डाटा चेंज को संभाल नहीं पाया, एरर्स को सॉल्व नहीं कर पाया। इसरो के पास कम्युनिकेशन बैंडविड्थ नहीं है, सो इसका लाइव टेलीकास्ट नहीं दिखा सकते। अगर चंद्रयान 3 के कैमरा लाइव टेलीकास्ट कर सकते तो कमांड सेंटर उतरने की सुरक्षित जगह को ढूंढ पाते और इंजन को कब, कैसे, कहां, कितना और कितनी देर के लिए चालू करना है को देखकर कंट्रोल कर पाते। इस वजह से इसरो ने मशीन लर्निंग की मदद से चंद्रयान 3 को ट्रेन किया है, सिखाया है कि कैसे दिखेगी चांद की सतह, कैसी जमीन होगी और कौन सा डिसीजन कब लेना है। यानी सॉफ्ट लैंडिंग की पूरी प्रोसेस ऑटोमेटेड ही होने वाली है। कैमरा फोटो निकालते रहेंगे और सॉफ्टवेयर उन्हें स्टडी करके यान को कमांड्स देगा कि क्या करना है। इस प्रोसेस के शुरू होने के बाद चंद्रयान 3 काफी धीमा हो जाएगा, उसकी स्पीड बिल्कुल ही धीमी हो जाएगी और वो नीचे उतरना शुरू कर देगा। इस तरह आखिरी के 5 मिनट्स यान सिर्फ सॉफ्टवेयर और मशीन लर्निंग के भरोसे छोड़ दिया जाएगा। के सिवन जी ने इन्हीं आखिरी 15 मिनट को कहा था द 15 मिनट्स ऑफ टेरर, जिसमें 10 मिनट्स तो फिर भी आपके हाथ में हैं, लेकिन लास्ट के 5 मिनट्स आपके हाथ में नहीं होते। इसरो उस समय कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ चंद्रयान 3 का ऑनबोर्ड कंप्यूटर ही सब काम करेगा और इसके कैमरा और प्रोसेसर तय करेंगे क्या करना है। सॉफ्ट लैंडिंग की पूरी प्रोसेस रिकॉर्ड होगी और इसरो को भेजी जाएगी, जिससे पूरी दुनिया भारत का चांद पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग देख पाएगी। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी 15 मिनट्स ऑफ टेरर की। हमें यकीन है कि ये नॉलेज से भरी वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।